नई सुबह के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। नई सुबह के इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम के ऑडियो लर्निंग ट्यूटोरियल्स के साथ मैं हूं मिस दुर्रानी। आज हम बनाना सीखेंगे कोयला कढ़ाई। कोयला कढ़ाई बनाने के लिए हमें जिन अज्जा की जरूरत है उनमें शामिल हैं: चिकन आधा किलो, तेल एक कप, कढ़ाई मसाला एक पैकेट, प्याज एक अदद बड़ी ग्लेंडर की हुई, टमाटर डेढ़ पाव ग्लेंडर किए हुए, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिसा गरम मसाला 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, पिसी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, कोयला 1 अदद, दही आधा पाव, लीमू का रस 1 टेबलस्पून, हरा धनिया आधी गड्डी, हरी मिर्चें 4 से 5 अदद, पानी हसब जरूरत, अदरक जूलियन कट 1 टेबलस्पून, जीरा 1 टीस्पून। तरकीब: सबसे पहले चिकन में नमक, पिसी हुई काली मिर्च, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, लहसुन अदरक पेस्ट, जीरा, लीमू का रस, दही, ये तमाम मसाले चिकन में डाल के अच्छे से मिक्स कर लें और इसे आधे से एक घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ दें। फिर एक पतीली में मैरिनेट हुई चिकन, 1/2 कप पानी, 1 टेबलस्पून ऑयल डालकर 10 मिनट के लिए इसे हल्की आंच पर पकने दें। 10 मिनट बाद जब इसका पानी खुश्क हो जाए तो इसमें कोयले का दम दे दें। फिर आप एक और पतीली लें, अब इसमें ऑयल डालकर गरम कर लें, फिर इसमें पिसी हुई प्याज डालें। जब प्याज गोल्डन हो जाए तो ग्लेंडर किए हुए टमाटर डाल दें। जब टमाटर फ्राई हो जाए तो इसमें 1/2 कप पानी और कढ़ाई मसाले का पैकेट डाल दें और साथ ही जो दम लगाई हुई चिकन है वो भी इसी में डाल दें। अब आप इसमें हरा धनिया बारीक काट के डाल दें, हरी मिर्च को कट लगा के डाल दें और अदरक भी साथ ही डाल दें। 10 मिनट तक के लिए इसे पकने दें, फिर आप इसमें कोयले का धुआं दे दें। आपकी मजेदार सी कोयला कढ़ाई तैयार है, सर्व करें और एंजॉय करें। ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।